भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अन्य कुछ राज्यों में इन दिनों बुलडोजर ज्यादा चर्चा में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने दोनों बुलडोजर 1-1 लाख रुपए में बेच दिए। यह बुलडोजर उन्हें उपहार में मिले थे। मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिन्ह एवं उपहारों की नीलामी का कार्यक्रम सेवांजलि गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुआ। इसमें से 200 से अधिक स्मृति चिन्हों की नीलामी की गई, जिसमें 2 बुलडोजर भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम से 2 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित हुई। यह राशि निरोगी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि स्मृति चिन्ह एवं उपहारों की नीलामी का कार्यक्रम सेवांजलि मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित किया गया। भारत सेवा संस्थान की ओर से हुए इस कार्यक्रम में लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित हुई। यह राशि निरोगी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगी। 3 करोड़ राशि का जो आंकड़ा भी बताया गया आपको, एक शुभ संकेत है। और वैसे हमारी परंपरा रही है, जब कभी कोई संकट आया देश के ऊपर, मुझे याद है कि बचपन में 62 का वार हुआ था चाइना के साथ, 62 की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ में, तब से मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर पंडित नेहरू जी आते थे उस जमाने के अंदर भी, और जब कभी युद्ध हुआ तो लोगों ने दिल खोल करके इमदाद करी है प्रधानमंत्री कोष के अंदर। उसी रूप में मुख्यमंत्री कोष के अंदर मैंने देखा है, जब कभी कोई गुजरात भूकंप आ गया या कोई सुनामी आ गई या फिर कोई ऐसी आक्रंता आ गई, केरला के अंदर आपको याद होगा कि एक बार बाढ़ आ गई थी, कश्मीर में भी बाढ़ आ गई थी, भूकंप आ गया था, कारगिल का युद्ध हुआ था, तब भी मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से पैसा भेजा गया। उस वक्त भी हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम किया था। मुझे खुशी है कि करीब 6-7 बार ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं, और जनता जो सम्मान देती है, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे दोस्तों साहब, जनता जो सम्मान देती है स्मृति चिन्ह के माध्यम से, उसका इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है कि वापस सम्मान देने का जनता को भी, और इसी बहाने लोगों को सहायता मिले सीएम रिलीफ फंड से। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रयास किया गया है। मैं भारत सेवा संस्थान जो जिसने ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम को, उनके गिरधारी सिंह बापना जी को, राजीव अरोड़ा जी को, तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमेशा वो आगे आते हैं, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, और लोगों ने भी पूरा साथ दिया। इस प्रकार लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके मोमेंटो लिए हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम 8 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स।